हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर इनहेरेंट एंड जीन एक्सप्रेशन के विषय में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो CBSE NIOS या UP बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं। अगर उनका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और उनका मॉलिक्यूलर इनहेरेंट एंड जीन्स एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, ये चैप्टर कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हम इसमें DNA RNA के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसके RNA और DNA के क्या मायने हैं। आपको पता है कि ये टॉपिक जो रहेगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही जो है भाषाओं में समझाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। साथ में आपको जो डिस्प्ले भी होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। कहते हैं इसमें बहुत कुछ हम जानेंगे, समझेंगे, जीन्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, RNA क्या होता है, DNA क्या है, RNA में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर जो होगा DNA के हम बारे में जानेंगे। तो सब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हम समझेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसके पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ DNA ट्रांसफर इन अ बैक्टीरिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, द मैकेनिज्म ऑफ DNA ट्रांसफर इन अ बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स एंड पोस अ सिंगल DNA। द मॉलिक्यूल्स आर देयर सिंगल क्रोमोसोम। द DNA इज मॉलिक्यूल्स इज डबल स्ट्रैंडेड एंड द हेलिकली इज कॉइल्ड। अमंग द बैक्टीरियल जीन्स मे बी ट्रांसफर फ्रॉम टू द बैक्टीरियम टू बी अदर। द DNA ट्रांसफर आर जीन ट्रांसफर कैन अकर अमंग टू बैक्टीरिया बाई एनी वन ऑफ द 3 प्रोसेस। देयर इज अ शो हियर द 3 प्रोसेस इज अ conjugations, transformation and transcriptions. There is a most important for the DNA in the transfer for the gene transfer and here bacteria. The first is the conjugation. The two bacteria may be together to the conjugations in a conjugation is a plasmoid to containing a few genes pass from one bacterium into the other. The transfer also is called the horizontal gene transfer, may be also happen through a break in the single strand of the chromosome or donor bacterium, and then that a broken one strand is transferred to the recipient is bacterium. There a single strand leaves and the behind in the donor, as well as there a single strand donated to the recipient cell and then become a double strand by adding a standard with a complementary base. The transfer of DNA is get integrated into the recipient's chromosome. This is called recombination. The conjugation occurs between two strands of bacteria, F positive and F negative.
द ट्रांसफर्ट ऑफ डी एन ए इज एफ पॉजिटिव कॉल्ड टू द एफ फैक्टर. द सीन द एफ फैक्टर इज फ्रॉम एफ पॉजिटिव इज अंडरगोइंग इनटू बैक्टीरियम क्रोमोसोम. देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड स्टेन नाउ इज एस एच आर एफ आर स्टेन. द नेक्स्ट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. There is a transformation is the most important here. This is recalls from the earlier part of this lesson that DNA from one bacterium may be integrated into the DNA of another bacterium as case of Streptococcus pneumoniae. And transformation is defined as the ability of extracellular DNA to enter a bacteria cell and recombine with their bacterial genomes. Their bacterial genomes acquire new property on account of the foregone DNA that has entered. That is the most important for the ability of extracellular DNA enter the bacterium cell. But the next is a transcodation. Transcodation is here. The transcodation refer to the transfer of DNA from one bacteria cell into another bacterium through their agency of virus, means bacteriophages. A phase may be undergoes to the lysogenesis that is the virus entered the bacteriums and divided among their bacterial genomes. So a number of viral particles can form. The mean will their viral DNA integrate as a become part of bacteria. The DNA which is known now is a new recombinant DNA. Sometime their viral genome may be become a independent and carry host bacteria genes to another. A new host bacterium and combined with the genomes, their process of gene transfer is called transduction is the most important here. तो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया हमारा डीएनए स्थानांतरण क्रिया विधि. देखिए मेकानिज्म ऑफ डीएनए ट्रांसफर क्या होती है. मेकानिज्म कई मानने में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तभी हम जान पाते हैं कि आखिर इसका प्रोसेसिंग जो है कैसे होता है. कहते हैं बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और उनमें एकल डीएनए अणु एकल क्रोमोसोम के रूप में विद्यमान रहता है. डीएनए अणु जो है अत्यधिक कुंडलित होती है एवं बैक्टीरिया के बीच में स्पिंडल रूप में कुंडलित रहता है. एक जीवाणुओं से दूसरे जीवाणु में जीन जो है स्थानांतरित हो सकते हैं जो कि जर्नल बात है. एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जो है ये स्थानांतरित हो सकते हैं. कहते हैं बैक्टीरिया में डीएनए स्थानांतरण या जीन स्थानांतरण तीन प्रक्रियाओं से किसी एक से द्वारा हो सकता है. यानी यहाँ पर तीन प्रक्रिया है. तीनों प्रक्रिया में से किसी एक प्रक्रिया से जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है यानी स्थानांतरित हो सकती है. इसमें हम संयुग्मन और स्थानांतरण और ट्रांसकोडेशन के रूप में जानते हैं. देखिए ये तीनों प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कोई भी जो जीवाणु जो है दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकता है. तो सबसे पहले हमारे समक्ष है संयुग्मन. देखिए संयुग्मन को हम कंजुगेशन कहते हैं. इसमें दो बैक्टीरिया आपस में आकार समझ हो सकते हैं. यानी कहा जाए तो दो बैक्टीरिया आपस में जो है मिल सकते कंजुगेशन कर सकते हैं. ठीक है संयुग्मन में कुछ जीन जो है युक्त एपिडिस यानी प्लाज्मिड प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होते हुए भी नजर आते हैं. कहते हैं ये स्थानांतरण जिसे क्षैतिज जीन स्थानांतरित भी कहा जा सकता है यानी इसको हम क्षैतिज जीन स्थानांतरण के नाम से भी जान सकते हैं. कहते हैं दाता बैक्टीरियों में क्रोमोसोम के एकल तंतु के टूटने से भी हो सकता है. तब पश्चात टूटा हुआ तंतु एफ फाइलस द्वारा गाय कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है. इसके बाद दाता में पीछे टूटा एकल तंतु तथा गाय कोशिकाओं के प्रदंत एकल तंतु द्वितंतुक बना जाता है. स्थानांतरित डीएनए गाय क्रोमोसोम में संयुक्त हो जाता है. प्रदंत या पुयोजन में एफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दो उपांतरों के बीच ये युग्मन हो जाता है यानी आपस में जॉइंट करने के लिए एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव की आवश्यकता होती है. कहते हैं स्थानांतरित डीएनए में जो है एफ पॉजिटिव हो सकता है और इसे हम एफ फैक्टर के नाम से जानते हैं. एफ फैक्टर को अभिकर्ता या कारक के नाम से भी आप जान सकते हो क्योंकि एफ पॉजिटिव से एफ फैक्टर यानी अभिकर्ता कारक बैक्टीरियाई क्रोमोसोम में संयोजित होता है. इसलिए पुण्य संयोजन की उच्च प्रवृत्ति होते हैं और उपदेव यानी स्टेनिंग एच एफ आर बन जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए कंजुगेशन बहुत महीने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इसी के द्वारा जो है कई कार्य संपन्न भी होते हैं चाहे एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव की बात करें किया जाए या फैक्टर की बात किया जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है. कहते हैं एकल तंतु से गाय करके ये जो है आगे स्थानांतरित होती है. आगे जो हमारा दूसरा है वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण कहते हैं उसको हम.
कहते हैं आपने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हो, ठीक है। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया से संयोजित हो सकता है। देखिए, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से संयोजित हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही है एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होती है के मामले में होता है, कोशिकाओं के एक बाहर के डीएनए की एक बैक्टीरियाई कोशिका में प्रवेश करने पर बैक्टीरियाई जीनोम्स के साथ पुनः संयोजन होने की क्षमता को रूपांतरित ही कहते हैं, यानी दूसरे में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही रूपांतरित कहते हैं। कहते बैक्टीरियाई जीनोम्स बाहरी डीएनए के प्रवेश पाने के कारण जो है न्यू गुण अर्जित कर लेता है, यानी दूसरे बैक्टीरिया में जब जाएगा, दूसरे बॉडी में प्रवेश करेगा तो नया गुण जो है ये अर्जित कर लेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात है ट्रांसडक्शन। देखिए, ट्रांसडक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं विषाणु बैक्टीरिया फाजेस, यानी विक्रता द्वारा डीएनए के एक बैक्टीरियाई कोशिका से दूसरे बैक्टीरियम्स में डीएनए के स्थानांतरण को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। यानी दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। कहते हैं एक बैक्टीरिया फाजिस, ठीक है, में लाइसोजेनी हो सकती है। तो लाइसोजेनी हो सकती है अर्थात विषाणु बैक्टीरिया में प्रवेश करता है और बैक्टीरियाई, ठीक है, जीनोम्स के साथ विभाजित हो जाता है। अंततः कई विषाणुकर्ता निर्मित हो सकते हैं। इसी दौरान जो विषाणु जो है डीएनए संयोजन होते हैं और बैक्टीरियाई डीएनए का हिस्सा बन जाता है, जो कि नई पुनियोजित डीएनए में होता है। कभी कभी विषाणु जीनोम यानी वायरल जीनोम स्वतंत्र हो सकता है और इसको पोषक बैक्टीरियाई के साथ लेकर नए पोषक बैक्टीरियम में प्रवेश कराने के लिए भी अग्रसर होता है। तो यानी बैक्टीरियम में प्रवेश करके इसको जो है जीनोम में पुनः संयोजित हो सकता है। स्थानांतरण की इस जीनी प्रक्रिया को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। यानी ट्रांसडक्शन का मतलब ही होता है कि बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करना, ट्रांजक्शन करना, दूसरी जगह पहुँचाने की प्रक्रिया होती है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर। द डीएनए रेप्लिकेशन इज अ डुप्लीकेट इटसेल्फ विद द कंप्लीट ऑफ फेडरेटेड फॉर द पासिंग ऑफ जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सेल्स। द रेप्लिकेशन मे बी थस देयर आर डिफाइंड एज द मैकेनिज्म फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर। देयर इज अ जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन पास आउट देयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू लर्न देयर लेसन सेल दैट सेल पास थ्रू देयर सेल साइकिल एंड द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन टेक प्लेस और डूइंग एस फेस। देयर इज एस फेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। And the next is the mechanism of replication. What is the mechanism of replication? So here, there is a replication occur through the following step. Here, the unbindings of DNA double helix. There is the most important, the unbindings of DNA. There are the two standard of replicating DNA molecules separated by the action of the enzyme. Is a helicase and topoisomerase's enzyme keep it open. The open part is the replication fork of shown here diagram. The replication fork. This replication fork is most important for a BSc level student and also to 11 and 12 student. There is the 3 and the 5. There is the complete. There is the open DNA form to the double helix and the replication fork here. There is called the replication fork. The replication fork is the most important. Here is the synthesis of the primer. The primer is a short RNA molecules of about 5 to 10 base. It is a form of, in the presence of the enzyme primase, the primers provide to the 3 OH group of their attach of the new DNA strand. That is the most important for the OH alcoholics. The next is the synthesis of a new DNA strand. There is an open strands of DNA from to the template and the new strand are complementary to the as a template they get a synthesis at the replication fork. A new DNA strand began to the synthesis is attaching to itself to the primer. In the presence of enzyme as a DNA is a polymerase, it is a beginning synthesis from its a 5' end and your DNA strand are complementary. Two ones of the unbonded parental's DNA strand get a synthesis. The new strand of DNA is a continuity to the synthesis is a uninterrupted and is a term as the leading strand. There is a most important for the here and synthesis of the other new DNA strand here.
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ द अदर न्यू डीएनए स्ट्रैंड द डीएनए सिंथेसिस अवेज इज अ टेक प्लेस इज अलोंग 5 and 3 डायरेक्शन देयरफॉर द अदर न्यू डीएनए स्ट्रैंड गेट अ सिंथेसिस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द लीडिंग स्ट्रैंड दिस न्यू स्ट्रैंड कॉल्ड द लॉगिंग स्ट्रैंड The lagging strand has a built up to a small piece and so in the figure and in the presence of enzyme DNA is a polymerases. This the synthesis of the lagging strand are discontinuously. The new piece of DNA are termed the Okazaki. Okazaki fragment is the most important here in the presence of the enzyme ligase and the energy source or the ATP. There is a Okazaki piece get a joined together form a At DNA strand. Here show in this diagram of Okazaki fragment. There is the most important here. Okazaki fragment is the lagging strand and leading strand. Here there is 3 and 5 and 3 and 5. There is a parental strand. There is the most important formation of new DNA strand. There is the Okazaki fragment and shown here. There is the most important. The next here DNA duplication is a remarkably is a also rate so there is a present parental DNA molecules get a exact or duplicate copy any mistakes get a chipped and the repair this is at the end of DNA duplication and called DNA proof reading and after DNA duplication two identical DNA molecules are formed which are the identical to a parent molecules and The DNA duplication is thus the semi-discontinuous that is one strand of new DNA is molecules built up to the continuously and the other is a pieces and the next is a DNA replication is a semi-conservative since there are two new molecules formed one parental strand is a conserve and the other strand is a newly synthesis there is a semi Conservative mode of DNA replication was experimentally proven by their mentors sons and Sethel is the most important scientist there is a semi-conservatives in their DNA replication is proved. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है डीएनए जो है प्रतिकृति का देखिए इसमें जो है डीएनए प्रकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन के विषय में हमने बात करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कई एग्जाम के लिए अगर आपका टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कहते हैं ये जो है बीएससी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उनमें भी जो बायोटेक्नोलॉजी ले रखे होते हैं उनमें भी डीएनए रिप्लिकेशन होती है ठीक है और जो माइक्रोबायोलॉजी बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है कहते हैं अगर देखा जाए अगर हम डीएनए प्रतिकृति के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं नई पीढ़ी कोशिकाओं को जीनी सूचनाएँ हस्तांतरित करने के लिए डीएनए स्वयं स्टिक रूप से द्विगुणित होती है यानी जहाँ कहते हैं कुछ जीन जो होती है कुछ बातें जो होती है ट्रांसफ़र करने के लिए डीएनए स्वयं ही अपना कार्य करने में अग्रसर रहती है इस प्रकार डीएनए जो है प्राकृतिक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीन सूचनाएं संचरण एक जो है राजतंत्र कहा जाता है यानी रचना तंत्र कहा जाता है यानी रचना तंत्र के रिगार्डिंग ये ट्रांसफ़र होती रहती है यानी कहा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीन की सूचनाएं जो होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है कहते हैं अगर विभाजन की अवधि में प्रत्येक कोशिका एक कोशिका चक्र से गुजरती है जिसको हम इस प्रवस्था के दौरान डीएनए प्रकृति की द्विगुणित भी होती है जिसको हम पिछले पाठ में भी पढ़ा था और जाना भी था जिसमें हम इस प्रवस्था के बारे में यानी इस फेस के बारे में हमने डिस्कस भी किया था आगे देखा जाए तो इसकी बात यही आती है कि इसकी प्रतिकृति का जो है रचना तंत्र है वो किस प्रकार है किस प्रकार इसको बनाई गई है तो देखिए चलते क्या है अगर देखा जाए प्रकृति का संरचना किस प्रकार होती है तो वो भी एक विशिष्ट है यहाँ पर दोहरी डीएनए कुंडली का खुलना देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि ये दोहरी कुंडलित होती है और जब ये दोहरी कुंडलित आप खोलते हो तो इसमें एक विचित्र सी घटना देखने को मिलता है कहते हैं डीएनए अणु के दो तंतु हेलिकेज क्लीविंग की प्रक्रिया द्वारा अलग अलग हो जाते हैं जब यहाँ पर हेलिकेसिस कीवन की प्रक्रिया होती है तो ये जो डीएनए के जो तंतु होते हैं जो डबल हेलिक्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं ये कुंडली टूट जाती है ठीक है जिसको टाइपोसोमेरेज़ कहते हैं टाइपोसोमेरेज़ कहते हैं क्रमेण इसी खुला रहता है खुला हुआ भाग प्रकृतिक द्विखंडित होती है जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो यहाँ पर चित्र में क्लियर दिखाने की कोशिश किया गया है
कि भाई त्रिखंड, यानी यहाँ पर तीन और पाँच के रेशो में दिखाया गया है। अगर देखोगे फाइव में अगर देखा जाए तो खुला डीएनए दोहरी कुंडली का निर्माण करता है और प्राकृतिक त्रिखंड बीच इसके सेंटर पॉइंट को कहते हैं। तो इस प्रकार जो है डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जामिनर का ये मनपसंद क्वेश्चन बना है। उसके बाद है प्राइमर का संश्लेषण। देखिए प्राइमर का संश्लेषण यानी ऑब्जर्वेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं प्राइमर एक पाँच से दस वेस एक छोटा आरएनए के अणु है। तो आप याद रखना कि पाँच से दस वेस एक छोटा आरएनए के एक छोटे से अणु है और इसका निर्माण जो है प्राइमेज प्रिवेन की उपस्थिति में होता है। प्राइमर जो है निर्मित हो रहे नए डीएनए से जुड़ने के लिए जो है थ्री ओएच समूह प्रदान करता है, यानी एल्कोहलिक ग्रुप्स को प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर ओएच लिया गया है तो एल्कोहलिक ग्रुप के लिए ये जो है आगे रिप्लिकेट करेगा। अगर अगली बात देखें तो नए डीएनए के तंतु का संश्लेषण किस प्रकार होता है इसके विषय में है। कहते हैं डीएनए खुले तंतु टैबलेट का निर्माण करता है। देखिए टैबलेट का यहाँ निर्माण होती है और टैबलेट के पूरक पर नए तंतु का संश्लेषण होता है, यानी नए तंतु का यहाँ पर क्या होता है संश्लेषण होता है, रिप्लिकेशन होती है और प्राकृतिक त्रिखंड पर एक नया डीएनए तंतु संश्लेषण होना आरंभ कर देता है, यानी उसी के ऊपर जो है नया डीएनए संश्लेषित होना आरंभ कर देती है जो डीएनए प्रवृत्ति यानी डीएनए पॉलीमरेज़ की उपस्थिति में प्राइमर से जुड़ जाता है। और कहते हैं ये प्रक्रिया जो होती है इसके पांच सिरे संश्लेषण आरंभ कर देती है और इसमें जो है अकुंडलित यानी अनबॉन्डेड जनक जो है डीएनए तंतु का पूरक संश्लेषण विद्वान रहता है, यानी उस पर उपस्थित रहता है। डीएनए का नए तंतु का अवांछनीय संश्लेषण भी यहीं पे होता है और यह जो है अग्रसारी रज्जुक लीडिंग स्ट्रैंड यानी लीडिंग स्ट्रैंड भी कहलाता है। इसी को हम जो है लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो बच्चे डीएनए के बारे में जानते हैं, जो पढ़े हैं, उनको इस विषय में काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगा कि लीडिंग स्ट्रैंड का क्या रहेगा और पांच सिरे संश्लेषण आरंभ कैसे होगा और अनबॉन्डेड कैसे करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और बात आती है कि दूसरे नए डीएनए तंतु का संश्लेषण, जो दूसरा होता है डीएनए तंतु का संश्लेषण किस प्रकार होता है। कहते हैं डीएनए संश्लेषण सदैव पाँच डैश एंड थ्री डैश की दिशा में होती है। सदैव याद रखना दोस्तों कि पाँच और थ्री की दिशा में ही होती है। अंत लीडिंग स्टैंड की विपरीत दिशा में दूसरा डीएनए तंतु संश्लेषित होता है। यह तंतु जो होते हैं यानी ये फिगमेंट होते हैं प्रवृत्त रज्जुक यानी लैंगिंग स्टैंड कहलाते हैं और इसी को ही हम परिवेष्टन रज्जुक यानी लैंगिंग स्टैंड कहते हैं। और ये डीएनए जो है पॉलीमरेज प्रक्रियन की उपस्थिति में छोटे छोटे खंडों में निर्मित होती है, यानी ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टों में विभक्त हो जाते हैं। और कहते हैं जैसा कि चित्र में भी आपको देखने को मिलेगा इस पर कार्बोवेस्ट रज्जु का संश्लेषण सदर होते हैं और डीएनए के नए टुकड़े जो है अकाशजाकी खंड यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है कई मान्य में इसका डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट रहता है, यानी जब ये खंडित नए टुकड़ों में टूटते हैं तो उसी को ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो कभी कभी ओकाजाकी फ्रेगमेंट एग्जाम में आ जाए तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, तो आपने इतना दिमाग में रखना है कि जो प्रवेशन रज्जु के संश्लेषण सशक्त हो जाती है और डीएनए के नए टुकड़े टूटते हैं उसे ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाता है। कहते हैं इसमें लाइगेज जो होती है प्रबल ऊर्जा स्रोत यानी एटीपी की उपस्थिति में ओकाजाकी खंड का जुड़कर एक नया डीएनए तंतु का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं एटीपी का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कार्य रोल होता है कि इसके उपस्थिति के कारण ही, अगर हम यहाँ पर जो है एक अकाजाकी जो फ्रेगमेंट दिखाई गई है अगर हम चित्र के द्वारा प्रकट करें तो कुछ इस प्रकार ही आपको दिखेगा। यहाँ जनक रज्जुक दिखेंगे और लीडिंग रज्जुक और लैडिंग रज्जुक अकाजाकी खंड भी आपको नजर आएंगे। तो नए तंतु के निर्माण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ आपको बता दे रहा है। ठीक है, कहते हैं अगर डीएनए प्रकृति असाधारण रूप से सटीक होती है यानी डीएनए जो है असाधारण रूप से सटीक होती है तो डीएनए जनक अणु के बिल्कुल एक ही सी अनुलिपि प्राप्त होती है, यानी यहाँ पर एक सी ही अनुलिपि हमें प्राप्त होगी। कोई भी त्रुटि काट छांट का मरम्मत कर दी जाती है, इसे हम प्रेस रीडिंग्स भी कहते हैं यानी प्रेस रीडिंग्स भी कहलाता है। डीएनए प्रकृति के परिणाम स्वरूप दो समरूप डीएनए अणु निर्मित होते हैं जो कि जनक अणु के समरूप होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी काफ़ी सेम ही होते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखता है कि जब डीएनए प्रकृति के परिणाम स्वरूप दो समरूप डीएनए अणु निर्मित होते हैं जो कि जनक अणु के समरूप होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी है।
अगर देखा जाए तो डीएनए प्रकृति का जो है अर्धवंशीय यानी सेमी कंटिन्यूली प्रक्रिया है, अर्थात नए डीएनए का एक रज्जु सममित रूप से और दूसरा खंडों में ये निर्मित होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं डीएनए अगर प्रतिकृति अर्ध संरक्षित है क्योंकि दो निर्मित अणुओं में एक जनक रज्जु संरक्षित रहता है और दूसरा रज्जु जो है नव संश्लेषित होता है। इसे जो है मेसोलेशन अनस्टॉल ने प्रायोगिक तौर पर सिद्ध किया था। देखिए यहाँ पर मेसोलेशन और स्टॉल की जो है अपनी योगदान को भूला नहीं जा सकता है। उन्होंने काफ़ी डीएनए के ऊपर जो है अपना रिसर्च दिया था और उन्होंने साबित भी किया था कि इससे जो है दो निर्मित अणुओं को एक रजक जो है संरक्षित कर रखता है और दूसरा रजु जो है नव संश्लेषित होता है, जो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश किया था। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो 8 के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान श्री सेंटर का फ़ायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।